बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज लेक्चर नंबर 12। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू तीनों तरह के क्वेश्चन के लिए हमारी टेक्स्ट बुक के पेज 70 पर मौजूद है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जी, दे शो मेटालिक लस्टर, धाती चमक होती है। जिस तरह आप देख सकते हो आपको काफी शाइन नजर आ रही है। तो असल में क्या करते हैं, मेटल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस है वो शाइनी नजर आती है। तो दे शो मेटालिक लस्टर, इनकी इनमें धाती चमक होती है। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको एज अ शॉर्ट। दे आर यूजुअली मैलेबल एंड डक्टाइल। नाउ मैलेबिलिटी की डेफिनेशन आपने याद करनी। मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी मदद से अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। एक मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर दें, शीट बना लें, यानी कि उसको हैमर करके उसको कूट कूट के क्या बना लें, शीट बना लें, ठीक है। फिर वाइल डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, यानी कि डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम मेटल्स की तारें बनाते हैं। तो होपफुली ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप ये फिगर देख सकते हो तो इसमें ये आपको जो शाइनी सा मटेरियल नजर आ रहा है, एक्चुअली ये मेल्टेड आयरन है, इसको हमने मेल्ट किया हुआ है। और आप जानते हैं कि जो मेटल है इनको मेल्ट करना इतना आसान नहीं है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा। जिस तरह आप देखो कि जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाकई काफी हाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, बीइंग ग्रेटर इन साइज, साइज में बड़े होने की वजह से दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। लाइक ये सीजियम का स्ट्रक्चर आप देख लो तो काफी बड़ा साइज है इसका भी, और इसके आखिरी शेल को आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। एंड फॉर्म कैटायन, कैटायन कहते हैं पॉजिटिव आयन। ऑब्वियसली जब नेगेटिव चीज इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, कैटायन, और वो बासानी बन जाता है। फिर कह रहे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जिस तरह ये एक आपको तवा नजर आ रहा है, आप इसको सेंटर से हीट करते हो ना तो हीट सारी तरफ फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या, ये जो मेटल है ये हीट को कंडक्ट कर रही है, हीट को ट्रांसफर कर रही है। और इसी तरह कहता है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। ऑब्वियसली हमारे जो घरों में सारी वायरिंग होती है उसमें कॉपर मेटल यूजुअली यूज होता है, ठीक है। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, दोनों स्टेट के अंदर, दोनों हालतों में, सॉलिड में भी लिक्विड में, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, आजाद इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जो कि हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो उसका आंसर क्या है जी, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, आजाद इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो आज ये छोटा सा लेक्चर था, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप कोई सा भी पहला लेक्चर बासानी वहां से जाके देख सकते हो।